हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था एक दिन पहले, जो मैंने लास्ट व्लॉग फिनिश किया था उसके बाद जो है ना ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। तो अभी रात का टाइम था, पूरा डे रूटीन जो है ना मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, क्या मैंने बनाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने बनाई थी। अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर वो व्लॉग भी देख लें इस व्लॉग को ख़त्म करने के बाद। तो अभी जो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, नेक्स्ट नहीं एक दिन का मैंने गैप लिया है क्योंकि जोहेब की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और ये देखिए कितना जो है ना मेरे बच्चे का चेहरा उतर गया है, और अभी इनको मैंने फ्रेश कराया है और ये देख रहे हैं अपना कार्टून। तो इन्हें थोड़ा सा मुझे नाश्ता वगैरह कराना है, लेकिन जोहेब का ये हो रहा है कि जोहेब जो है ना बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। इनका बुखार जो है ना रात को बहुत तेज़ चढ़ा था, तो फिर कल मैं डॉक्टर के पास अकेले ही रात को लेकर गई थी और रात के 11 बजे मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा उनकी तबीयत कल से बेहतर है, और यहाँ पर जो है ना मैं अभी लंच कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था। हिमाद के लिए जो है मैंने आज आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन के लिए, तो बस वही मैं आज लंच में खा रही हूँ। तो चलिए मैं अभी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे जोहेब को दोपहर की दवा भी देना है। सुबह में मैंने उन्हें दवा पिलाई थी, लेकिन जोहेब क्या करते हैं, जब भी मैं उन्हें दवा पिलाने बैठती हूँ ना तो उन्हें अंदेशा हो जाता है कि अभी दवा पिलाने वाले हैं, तो ये भाग जाते हैं। तो अभी भी वो वही करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये करते हैं। तो अभी शावर मैंने लिया था, लेकिन मैंने जो है ना आज हेड वॉश नहीं किया है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। और ये ऑयल मैंने बनाया है ताकि जो मेरा हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाए। तो इसका रिज़ल्ट तो अभी तक मुझे नहीं समझ में आया है, मैं इसको जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ते से लगा रही हूँ। और ये जो है काली तिल ऑयल है, एक्चुअली ये प्योर काली तिल ऑयल का नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे आता है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन वो जो बॉटल मेरे पास रखी हुई थी वो मैंने यूज़ कर ली थी। यहाँ पर मैं जोहेब को ना दवा पिला रही हूँ, तो ये देखिए कितना ये मुंह बनाते हैं और ऐसा लगता है ऐसे अभी वॉमिट कर देंगे, और ये बहुत मरतबा करते भी हैं, जैसे मैंने दवा पिलाती हूँ ना तो सारा ही वॉमिट करके निकाल देते हैं। तो खैर इन्हें जो है ना मैं अभी दवा पिलाऊँगी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मुझे जो दूसरे काम है घर के वो करना है, क्योंकि जोहेब ना कंटिन्यूस मेरे पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। जब इनका मूड थोड़ा सा अच्छा होता है ना तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और जैसे फिर ये रोने बैठते हैं तो फिर मैं इन्हीं के साथ बैठ जाती हूँ। तो बस आजकल मेरा जो रूटीन है वो बस यही चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने रात को कपड़े धोए थे वो जो है ना सूख गए थे, तो मैंने निकाल लिए हैं। ज़्यादातर इसमें पूरे कपड़े जो है ना जोहेब के ही हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन से वॉश नहीं किए थे जोहेब के कपड़े, तो उन्हीं के कपड़े ज़्यादा हो गए थे, और उनके कपड़े मैं हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ, मशीन वॉश नहीं करती हूँ। इन प्लांट्स में तो ना मैंने पानी भी नहीं डाला था। जी बेटा, ये तो कड़ी पत्ते का सारा सूख ही गया है, पता नहीं इसमें देखिए इसमें ना कितनी सारी दरारें आ गई। तो अभी थोड़ा सा जो है जोहेब का मूड अच्छा है, तो वह अपनी गाड़ी से खेल रहे हैं। तो ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं तो इन्हें मैं फटाफट रैप कर लेती हूँ, कपड़ों को मैं फटाफट फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे आज बनाना है घी, तो मैं ये सोच रही थी कि आज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत दिन से क्रीम रखा हुआ है, तो मैंने कल इसमें दही डाल दिया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँ। और इनको जो क्रीम थी उसको मैंने बाहर निकाल कर रखा है, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो घी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जोहेब परेशान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मैं पहले जो है ये कपड़े निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे अपना जो घी वाला काम है वो कर लेंगे। ये जो बर्तन है ये ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वॉश किए थे, लेकिन मैंने इनको लगाया नहीं था, इनका पानी जो है ना सारा भी ड्रेन हो गया है, सारा पानी निकल गया है। तो चलिए फटाफट मैं बर्तन लगा लेती हूँ। और मैंने ये जो कैबिनेट मेरा है ना इसमें मैंने एक शेल्फ लगा कर लिया है, पहले इसमें अंदर नीचे से शेल्फ नहीं थी, पूरा जो कैबिनेट था ना वैसे ही खुला था, तो सामान जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था। तो परसों मैंने आपको बताया हमने काम करा के लिया है, जो हमारी जाली वगैरह नेट वगैरह लगने वाली थी वो मैंने लगा के लिया था, साथ ही इसमें एक शेल्फ मैंने लगाया है। तो थोड़ा सा जो मेरी अलमीरा अभी यहाँ पे जो रखी हुई ना जो क्रॉकरी यूनिट आपको दिख रही है वो थोड़ा सा अभी सेट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और मैंने ना पानी ठंडा होने के लिए रखा था फ्रिज में, क्योंकि घी बनाने के लिए ना ठंडा पानी लगता है इसलिए।
और ये देखिए ये अलमारी की मैं बात कर रही थी, अभी भी जो है ना ये फुल है, लेकिन ये है कि अभी जो है ना चीज़ें इधर उधर नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं, जहाँ पे उनको स्पेस मिली है मुझे वहाँ पर मैंने चीज़ों को रख दिया है। और मोस्टली इसमें जो है ना वो चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि ये वाला जार हो गया, इसको मैं घी और जूस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको अंदर रख रखा है। और जो भी मेरे पास बॉक्सेस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सारे जो है ना इसमें मैंने रख रखे हैं। और बहुत सारा सामान है जो मैंने अपने जो पोर्ट माला है ना उसके ऊपर रखा है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर ना जोहेब रो रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि बस मुझे लेकर बैठो, कुछ मत करो, क्योंकि जैसे इनका बुखार चढ़ रहा है ना तो फिर ये परेशान कर रहे हैं, और जैसे बुखार थोड़ा सा उतर जाता है ना तो फिर खेलने लग जाते हैं। तो अभी इनका ये है कि मुझे लेकर बैठो, तो चलिए खैर मैं ना फटाफट अभी इनको ऐसे ही समझा बुझा कर जो घी है वो बना लेती हूँ। थोड़ा सा घी बनाने के लिए सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है, बस मैं फटाफट इसका जो मक्खन है वो निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको गैस के ऊपर रख दूँगी तो वो खुद ब खुद बनता रहेगा, फिर मैं जोहेब को लेकर बैठ जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर जो है ना फटाफट हमारा मक्खन निकल गया है, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभी मैं बहुत मरतबा बनाती हूँ ना घी, तो मक्खन जल्दी से निकल जाता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना तब तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, फर्स्ट टाइम मैंने अपने कज़िन सिस्टर के साथ बनाया था, मतलब वो भी मेरे साथ परेशान हो गई थी। फिर हम लोग जो है ना जार ले करके हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ पर चले गए थे, फिर हमने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि फ्रिज में रख दो फिर उसका मक्खन निकलेगा। तो फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो कुछ इस तरह से था कि बिल्कुल मक्खन निकल ही नहीं रहा था, हम लोग परेशान हो गए थे। तो बस यही ट्रिक होती है कि आप इसमें ठंडा पानी डालिए, उसके बाद मिक्सर को चलाइए तो घी बन जाता है, मतलब मक्खन निकल जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं मक्खन को वॉश कर रही हूँ, और मक्खन को वॉश करने के लिए भी मैं ठंडे पानी का यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या होगा एक भी दाना मक्खन का इधर से उधर नहीं होगा और बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा आपका मक्खन। तो चलिए बस लो फ्लेम पर मैं इसको रख दूँगी, 20 से 25 मिनट में हमारा घी बन करके रेडी हो जाएगा। तो घी तो हमारा रेडी हो गया था, लेकिन इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, और अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो रहे हैं, और अभी हिमाद भी आने वाले हैं, और ये देखिए फिर से हमारे जोहेब का स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको जो है ना मैं रख देती हूँ। इस बार थोड़ा सा कम निकला है क्योंकि ज़्यादा इस बार क्रीम नहीं था, जो मैंने कप में निकाले थे ना, जो मैं हमेशा कप में निकालती हूँ वो वाला कप नहीं था, छोटे वाले कप थे, तो मुझे लगा कि ज़्यादा जमा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ही था। तो खैर जितना भी निकला अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी, ताकि जोहेब के माइंड को मैं थोड़ा सा फ्रेश कर सकूँ, क्योंकि बिल्कुल कुछ खा ही नहीं रहे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप क्या करते हैं मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर कोथमीर नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पुदीना डाला है, और हल्की सी मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली पाउडर भी डालूंगी, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था अजवाइन, और अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन। अगर आपको जो है ना एकदम क्रिस्पी बनाना है तो आप इसको इसी तरह से हाथों से मिक्स कीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें पानी मत डालिएगा, एक दो ड्रॉप लगे तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ बिना पानी के आप इसको गूंदेंगे ना तो आपकी एक नंबर जो है ना पकौड़ी बन करके रेडी हो जाएगी। और देखिए अभी हमारे जो है ना हिमाद भी स्कूल से आ गए हैं, और यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है, ये कुछ भी मिल जाता है ना उनको वो उसमें जो है ना अपना फेस वॉश बना के रखते हैं, हमेशा का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रखना है, तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट वाले सोच रही हूँ कि सॉफ्ट वाले बन जाए। तो चलिए मैं फटाफट पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अब तक चाय पी नहीं है, बहुत देर से दिल कर रहा है कि चाय बना के पीऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं चाय बनाऊँ। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अरे जाने दो 5 बजे पी लेती हूँ, फिर ये होता है कि आप अगर जो है ना एक दिन पी लेंगे ना 3-4 बजे तो फिर आपका वो रूटीन बन जाता है, फिर आपका दिल करता है कि नहीं फिर से चाय पी लो। ये मेरा पहले का रूटीन था कि मैं जो है ना दोपहर के खाने के बाद कम पल्सरी चाय पीती थी, लेकिन जब से मैंने वेट लॉस किया है उसके बाद से मैंने दोपहर में चाय नहीं पी है। कभी कभी मेरा मन करता है तो फिर भी जो है ना मैं ऐसे ही टाल देती हूँ ये सोच करके 5 बजे पी लूँगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, थोड़ा सा जो है ना टालना भी सीखें, बिल्कुल जो है ना ऐसे ना रखें कि आपकी ज़ुबान जो बोली बस आप उस चीज़ को हाजिर कर दें।
तो अभी मैं आई थी सब्ज़ी लेने के लिए और चिकन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि चिकन नहीं था और 2 दिन से मैंने चिकन नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। क्योंकि कल भी मैंने दाल चावल ही बनाया था, जोहेब को पसंद है, मैंने सोचा था कि जोहेब खा लेंगे, तो मैंने दाल चावल बना लिया था। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं अच्छा बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेने के लिए आई थी तो मेरा जो ध्यान है वो इस वाले ग्लास के ऊपर गया। सामने ही जो है ना ये शॉप है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूछ लेती हूँ, अगर मुझे रीज़नेबल रेट में मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो ऑनलाइन मैंने चेक किया तो इसका रेट भी जो भैया बोल रहे थे उसी से मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। और ये वाले ग्लासेस मैंने लिए हैं, और मैं बहुत दिन से ये ग्लास लेने का सोच रही थी, क्योंकि मुझे कुछ जूस वगैरह मैं बनाती हूँ ना तो सर्विंग के लिए, मेरे पास इस तरह का कोई ग्लास नहीं है, थोड़े छोटे वाले हैं और वो लंबे साइज़ में हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले ले लिए हैं। तो ये मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने अभी चावल भीगने के लिए रखा है। आज मैं सोच रही थी कि मैं ना फ्राइड राइस बनाऊँ और कुछ चाइनीज़ टाइप में जो है ना मैं चिकन वगैरह बनाऊँ, लेकिन फ्राइड राइस जो है खाएंगे नहीं और मुझे फिर दूसरा तीसरा कुछ बनाना नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि सब खा लें ऐसी कुछ डिश मैं बनाऊँ, तो बस बच्चों के और मेरे पसंद को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी चावलों को रख दिया है साइड में और चिकन मैंने वॉश करके ले लिया है। 2 जगह मैं चिकन का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड दिया है नमक, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा क्या, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ओरिगैनो। इसको थोड़ा सा क्रश करके मैं डाल रही हूँ और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑल पर्पस फ्लावर और रेड चिली फ्लेक्स। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा रखिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो आप 15-20 मिनट भी रख सकते हैं। फिलहाल तो जो ना मैं सिर्फ इसको 15 मिनट रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए अब हम राइस की तैयारी करते हैं। आज मैं बना रही हूँ टोमेटो चिकन राइस। ये जो है ना थोड़ा सा तहारी से रिलेट करता है, लेकिन तहारी में जो चीज़ें जाती हैं थोड़ी सी इसमें कम जाती हैं। ये थोड़ा सा मैं सिंपल सा बना रही हूँ, क्या ज़्यादा जो है ना मुझे मसाले इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, क्योंकि ये हमारे टोमेटो राइस हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा जाएंगे। तो चलिए इसको मैं लंबा लंबा इस तरह से कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर, पुदीना नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें कोथमीर डाल देंगे। तो प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा गरम मसाला और कोथमीर जो हमने कट करके रखा है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन हमारा 250 ग्राम्स है और जो चावल है हमारे वो भी 250 ग्राम्स है। और ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें नमक और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और जो टमाटर हमने कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। थोड़ी सी हम इसमें रेड चिली डालेंगे, क्योंकि इसी से जो है ना हमारा जो चावल होगा वो तीखा बनेगा। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 ग्लास से भी कम हम इसमें पानी डाल करके कुकर का लिड लगा लेंगे और इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे, और जब तक कि इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं होता हम कुकर को ओपन नहीं करेंगे। और ये जो हमारे चावल हैं ये पूरे हमारे कुकर में ही बनेंगे, बिल्कुल आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि भगोने वगैरह में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीटी लगाइए और हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा है उसको हम हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। तवा मैं यूज़ कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिकन के पीसेस। अब सारे चिकन के पीसेस को हम अलग अलग करके फ्राई कर लेंगे, अलग अलग यानी कि थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे इनको, और उसके बाद जो है ना उलट पलट करके हम इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है उसमें 3 से 4 सीटी आ गए थे, उसके बाद मैंने इसको भी खोल लिया है, तो हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चावल। चावल ऐड करने के बाद पहले हम इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, उसके बाद जितना हमें पानी डालना है, जैसे कि 1 ग्लास मैंने चावल लिया है तो 2 ग्लास से भी थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद 2 सीटी हम इस पर हाई फ्लेम पर आने देंगे, उसके बाद लो करके हम 5 मिनट इसको पकाएंगे, तो हमारा जो तहारी है वो रेडी हो जाएगा और चिकन भी हमारा पक गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। और देखिए इसमें भी सीटी आ गई है। गैस को हम लो करते हैं और 5 मिनट हम इसको पकने देते हैं, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैं अभी ले रही हूँ चिकन और इसको मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज मैंने कट कर लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ली है और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है बटर मिल्क।
घी बनाते वक्त जो हमारा बटर मिल्क निकला था वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था पैन में, उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन एक चम्मच। लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप उसको बिल्कुल स्किप ना करें। उसके बाद मैंने प्याज डाल के बस चला लिया है। और यहाँ पर मैंने हॉट वाटर लिया है, उसे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे जो पेरी पेरी सॉस है वो। अगर आपके पास पेरी पेरी नहीं है तो आप रेड चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, लेकिन वो जो क्लिप है वो स्किप हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है अभी शिमला मिर्च। प्याज हमारी हल्की सी सॉटे हो गई है तो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखा है वो ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से चला लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क और जो हमने सोया सॉस बनाया है वो हम ऐड कर देंगे। इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ढक करके। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून लिया था, उसमें हल्का सा पानी डाल करके डाल दिया है। जैसे हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो थिक होना स्टार्ट होती है। तो ये देखिए हमारा क्रीमी चिकन बन करके रेडी हो गया है। बस अब इसको जो है ना मैं सर्व कर लूँगी। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक दिखा रही हूँ कि अगर आपके जार जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो आप इस तरह से पानी में 1 टीस्पून विम लिक्विड डालिएगा और इस तरह से उसको चलाएंगे ना और उसके बाद वॉश करेंगे तो आप इसकी चमक देखिएगा कितना ज़्यादा ये अच्छे से वॉश होगा। तो ये देखिए ये जो है ना विम लिक्विड डालने के बाद है और ये जो है ना नॉर्मल वाला है। मैं हर 1 मंथ में 15 दिन में जो है ना कर लेती हूँ जब भी मुझे लगता है कि इसकी शाइन चली गई है। तो आप भी इसको ज़रूर एक मरतबा ट्राई करें। तो चलिए मैं अभी डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा क्रीमी चिकन और टोमेटो राइस बन करके रेडी हो गए हैं। आप लोगों को आज की डिश कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी जो है ना आपका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देगी क्योंकि बिल्कुल जो है ना इसका टेस्ट हर रेसिपी से अलग आएगा। तो ये देखिए हमारे हैं टोमेटो राइस बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।